friends, welcome to my channel Sia's Beauty. My name is Shriya and today I will show you how you can apply liquid lipstick very easily. What are the tips and tricks of applying liquid lipsticks? And aap kya mistakes karte hain jab bhi aap liquid lipstick apply karte hain? Aapke jo lips hain wo dry chapped look dete hain. आप में से कई लोगों को ऑलरेडी पता होगा कि लिक्विड लिपस्टिक कैसे अप्लाई करते हैं और मेरे से भी ज़्यादा बेटर अप्लाई करते होंगे आप, तो आपके लिए ये वीडियो बिल्कुल भी नहीं है. ये वीडियो सिर्फ और सिर्फ उनके लिए है जो कि अभी बिगिनर हैं एंड जिनको लिक्विड लिपस्टिक बिल्कुल भी अप्लाई नहीं करनी आती. तो मैं आपके साथ टिप्स एंड ट्रिक्स शेयर करने वाली हूँ इस वीडियो में कि ताकि आप लिपस्टिक को फ्लॉन्ट कर सकें, स्पेशली द लिक्विड वन. लिक्विड लिपस्टिक जो होती है, स्पेशली द मैट वंस, उनका फॉर्मूला वैसे ही ड्राइंग होता है और नो मैटर आपके लिप्स कितने ही हाइड्रेटेड क्यों ना हो, वो आपके लिप्स को ड्राई करेगी ही करेगी लिक्विड लिपस्टिक जो स्पेशली मैट होती है. तो आपको कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स का फॉलो करना है जिससे आपके लिप्स जो है वो ड्राई ना लगे जब भी आप लिक्विड लिपस्टिक अप्लाई करो. मैं लास्ट में आपसे ये भी शेयर करूंगी कि आप कैसे अपने लिक्विड लिपस्टिक को रिमूव कर सकते हैं. तो अगर आप इस वीडियो में इंटरेस्टेड हैं, मेरे साथ बने रहें. फर्स्ट स्टेप हम करेंगे लिप्स को एक्सफोलिएट. एक्सफोलिएट करना इसलिए इम्पोर्टेंट है कि ताकि डेड स्किन जो है वो रिमूव हो जाए लिप्स के ऊपर से. तो मैं यहाँ यूज करूंगी होममेड एक्सफोलिएटर. उसके लिए मैंने अपने हैंड में ही क्रश्ड शुगर प्लस हनी का मिक्सचर लिया है. इसे मैं अपने लिप्स पे अप्लाई करूंगी एंड 2-3 मिनट्स के लिए सर्कुलर मोशन में रब करूंगी. लिप्स को मॉइस्चराइज करने के लिए आप कोई भी लिप बाम यूज कर सकते हैं, इवन आप आमंड ऑयल भी यूज कर सकते हैं. बट आई विल सजेस्ट, अगर आपको लिक्विड लिपस्टिक अभी ही अप्लाई करनी है तो आप क्या करो, आप कोई भी अपना फेवरेट लिप बाम अप्लाई कर लो कि ताकि आपके लिप्स जो है वो मॉइस्चराइज हो जाए. सो आई एम यूजिंग दिस एज माय लिप बाम आफ्टर एक्सफोलिएशन. हैंडकरचीफ वगैरह ले लेना, उससे आपने डैब डैब करके अपने लिप बाम एक्सेस जो है वो रिमूव कर लेना है. क्या करेंगे, जो लिपस्टिक का ओरिजिनल कलर है, जो रियल कलर है, वो दिखाने के लिए हम जो भी पिगमेंटेशन अराउंड आर लिप्स है या ऑन आर लिप्स है उसको कैंसिल आउट करेंगे. इसके लिए आप कोई भी कंसीलर, फाउंडेशन, बीबी, सीसी, पाउडर, कोई भी क्रीम वगैरह कुछ भी यूज कर सकते हैं टू कैंसिल आउट द पिगमेंटेशन ऑन योर लिप्स. तो मैं यहाँ लैक्मे की सीसी क्रीम ही यूज करूंगी. आपको सिर्फ थोड़ी सी ही लेनी है. तो अब मैं इसे अपने लिप्स पे अप्लाई करूंगी. आप देख सकते हैं कि मेरा जो नेचुरल लिप कलर था वो एकदम से हाइड हो गया है. मैंने उसे सीसी क्रीम से ही कवर कर दिया है. आप चाहो तो फाउंडेशन भी यूज कर सकते हो, कंसीलर भी यूज कर सकते हो. आप इसे अपनी फिंगर टिप से भी ऐसे ऐसे डैम करके फाउंडेशन को अप्लाई कर सकते हैं अगर आपके पास ब्यूटी ब्लेंडर नहीं है. अब नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे, अपने लिप्स को लाइन करेंगे. लिप्स को लाइन करना इसलिए इम्पोर्टेंट है बिकॉज अगर हम लिपस्टिक ऐसे डायरेक्टली अप्लाई करेंगे तो हमें पता नहीं लगेगा कि हमने लिपस्टिक लगाने का है, कहीं यहाँ से ऊपर हो जाती है, यहाँ से नीचे हो जाती है. तो एक सिमेट्रिकल शेप देने के लिए हमें लिप लाइनर यूज करना चाहिए. द कॉमन मिस्टेक जो हम करते हैं वो यही करते हैं, हम लिक्विड लिपस्टिक डायरेक्टली अप्लाई कर लेते हैं. अगर हम लिप लाइनर पहले यूज करेंगे एंड देन लिक्विड लिपस्टिक अप्लाई करेंगे, उससे क्या होगा कि हमारे लिप्स को एक शेप मिल जाएगी जिससे हमें पता लग जाएगा, हमें एक आइडिया हो जाएगा कि हमें कहाँ फिल आउट करनी है लिपस्टिक. और ये बिगिनर के लिए सबसे ईजी ट्रिक है लिप लाइनर यूज करके लिक्विड लिपस्टिक अप्लाई करना. पहले लिप लाइनर यूज करूंगी. फर्स्ट ऑफ ऑल आई विल मेक एक्स. बनाया है. अब यहाँ पे मैं आपको एक और टिप देना चाहूंगी, अगर आपके थिन लिप्स हैं तो आप नेचुरल लाइन के ऊपर थोड़ा जा सकते हैं, पर अगर आपके थिक लिप्स हैं तो आप अपनी नेचुरल लिप लाइन को ही फॉलो करें या फिर उससे थोड़ा नीचे ही रखें. मैं यहाँ नेचुरल लिप लाइन को ही फॉलो करूंगी, ना ही मैं उससे अबव जा रही हूँ ना ही मैं उससे बिलो जा रही हूँ. Okay, so you can see I have lined my lips.
आप पिंकी फिंगर चिन पर रखकर लिप लाइनर लगाएं, इससे आपको एक सपोर्ट मिलेगी जिससे आप प्रॉपरली लिप लाइन कर पाओगे। लिप लाइनर से आप अपने लिप्स को फिल कर लें। इससे क्या होगा कि अगर सपोज आपकी लिपस्टिक जो है वो उतर भी गई है या रिमूव हो गई है, तो एटलीस्ट स्टेन तो रहेगा ही लिप लाइनर का। अब यहाँ पे दो तरह के एप्लीकेटर होते हैं, कैन यू सी द डिफरेंस? जो फर्स्ट एप्लीकेटर है वो इस तरह का होता है, आप ऊपर देख सकते हैं स्पॉन्ज, और जो सेकंड एप्लीकेटर है वो ऐसा होता है, डुओ फुट एप्लीकेटर इसे कहते हैं। डुओ फुट एप्लीकेटर से लिपस्टिक अप्लाई करना ज्यादा आसान रहता है, क्यों? क्योंकि इसमें एक होल होता है, इसमें जितनी भी हमें लिपस्टिक चाहिए होती है वो स्टोर हो जाती है, कि ताकि हमें बार बार डिप ना करना पड़े लिपस्टिक के अंदर। वैसे भी जितने भी फर्स्ट टाइम में लिपस्टिक आती है उतनी इनफ होती है आपके लिप्स को फिल आउट करने के लिए। इसका एक और एडवांटेज होता है, वो ये कि जो इसकी टिप होती है उससे हम लिप लाइन भी ड्रॉ कर सकते हैं, हमें स्पेशली लिप लाइनर उठाने की जरूरत नहीं है। जो इसकी टिप है उससे हम ऐसे रख के, राइट एंगल की तरह रख के इसे हम ड्रॉ कर सकते हैं लाइन जितनी भी हमें थिन चाहिए, और अगर हम इसे ऐसे रखेंगे तो हम लिपस्टिक को अप्लाई कर सकते हैं। आप देख सकते हैं डिफरेंस इन दोनों में। तो आपको क्या करना है, जितना भी एक बार में लिपस्टिक आई है आपके एप्लीकेटर पे उससे ही अप्लाई करना है, और बार बार उसको ऐसे रब नहीं करना, सिर्फ जितना फर्स्ट टाइम में अप्लाई हो गया उतना इनफ है। तो नाउ आई विल अप्लाई द लिक्विड लिपस्टिक। आपको क्या करना है, सबसे पहले सेंटर से अप्लाई करना है, यहाँ से कॉर्नर्स को अगर आप अप्लाई करना चाहते हो कॉर्नर्स पे, तो आपको ऐसे ही रखने हैं अपने लिप एप्लीकेटर, एंड देन आप अपने कॉर्नर्स को भी फिल कर सकते हैं। अब जो लिप्स के अंदर ये वाला पार्ट होता है, इस पे भी अप्लाई करना है आपको लिपस्टिक। जब भी आप लिक्विड लिपस्टिक अप्लाई करते हैं तो आप अपने लिप्स को प्रेस मत करिए, इससे आपके जो लिप्स हैं वो ड्राई लुक देंगे और बहुत गंदे लगेंगे, वियर्ड लगेंगे जब ये सूख जाएंगे। जब भी आप मैट लिक्विड लिपस्टिक अप्लाई करते हैं तो आप उसका फर्स्ट कोट ही अप्लाई करें। जी, अगर आपको सेकेंड कोट अप्लाई करने की नीड भी लगती है तो आप पहले अपने लिपस्टिक को ड्राई होने दें, देन ही सेकेंड कोट अप्लाई करें। उसको बार बार रगड़े ना लिप्स को, बिकॉज वो बहुत पैची सा लुक देंगे और केकी लगेगी लिप्स। अगर आप भी बिगिनर हैं और आपके कहीं से भी लिपस्टिक बाहर आई है तो डोंट वरी, क्योंकि नेक्स्ट स्टेप में हम उसे कवर अप करेंगे। उसके लिए आपको कोई भी कंसीलर चाहिए, फाउंडेशन चाहिए, या बीबीसीसी क्रीम भी आप यूज कर सकते हैं। आप अपने हैंड में उसे थोड़ा सा लें, एंड देन अगर आपके पास कोई ब्रश नहीं है उसको करेक्ट करने के लिए, देन डोंट वरी, क्यूटिप जो है वो सबसे अच्छा सॉल्यूशन होता है। अगर आपके पास ब्रश नहीं है तो आपको क्या करना है, आपको क्यूटिप से थोड़ा सा लेना है बीबीसीसी या कंसीलर फाउंडेशन जो भी आप यूज कर रहे हैं, बिल्कुल थोड़ा सा एक साइड पे आपने वो ले लेना है, एंड देन जहां पे भी आपको करेक्शन की जरूरत है वहां पे आपने बिल्कुल ऐसे करके नहीं यूज करना क्यूटिप, ऐसे करके ही हम उसे करेक्ट करेंगे। तो इसके लिए एक सिंपल सा टिप है, आप कोई भी ऑयल ले लो, चाहे कोकोनट ऑयल, चाहे आमंड ऑयल, पैसलीन ही ले लो, या इवन लिप बाम भी ले लो, वो आप अपने लिप्स पे अप्लाई करो, 5 मिनट्स के लिए लगाकर भूल जाओ उसको, और देन आप उसे टिश्यू पेपर से रब कर लो। मैं यहाँ पे मैरिट वीसीओ का कोकोनट ऑयल ले रही हूँ, डैब डैब करके अपने लिप्स पे अप्लाई कर दूंगी। तो अब मैं कॉटन को प्लेस कर दूंगी अपने लिप्स के ऊपर,
ओके फ्रेंड्स, तो आज के लिए इतना ही। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। जब भी आप लाइक करते हैं मेरी वीडियो को तो मुझे एनकरेजमेंट मिलती है कि ताकि मैं अपनी वीडियोस और इम्प्रूव कर सकूं एंड और आपके लिए कुछ नया लेकर आ सकूं। तो अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती हो तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।